क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले एनडीटीवी थोड़ा सा नीचे कर, उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहाँ पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए? जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। याद कीजिए, उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इनकाउंटर पे सवाल उठाओ मंगेश पर, तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें क्षत्रिय को भी मार दिया। तो ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है? कहाँ की ये व्यवस्था है जहाँ पर आप बैलेंस करने के लिए किसी की जान ले रहे हैं भाई? नीचे करिए। और सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए खासकर इस तरह के इनकाउंटर कर रही है।